हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप लुक। तो हैप्पी रक्षाबंधन एडवांस टू ऑल। तो चलिए मेकअप लुक देख लेते हैं। तो गाइस, आज मैं इस मेकअप लुक करने से पहले मेरी लिप्स को थोड़ा सा स्क्रब कर लूंगी। यह है गुड वाइब्स की लेमन लिप स्क्रब। स्क्रब करने के बाद थोड़ा सा ऑयल ये सीक्रेट करती है, जो आपकी लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करती है एंड आपको एक प्लम लिप्स प्रोवाइड करती है। एक लिप बाम को अप्लाई कर दूंगी, यह है लैक्मी का लिप लव लिप केयर। फेस को थोड़ा सा हाइड्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर एब्स कुडनेस की ग्रीन टी टोनर अप्लाई कर रही हूँ। एंड गाइस, ये मेरी सेकेंड परचेज है एंड ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। उसके बाद मैं एलोवेरा जेल को मेरे फुल फेस में अप्लाई कर दूंगी एंड इसको अप्लाई करने के बाद 5 मिनट्स के लिए मैं वेट करने वाली हूँ। एंड उसके बाद गाइस, मैं यहाँ पर NYBA की सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये वाली प्राइमर गाइस आप मेरे हर एक वीडियो में देखा है आपने, मिनिमम टू ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। एंड तो उसके बाद गाइस, मैं मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इसको मैं डॉट डॉट करके मेरी ऑल ओवर फेस एंड नेक पे अप्लाई कर दूंगी एंड एक फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ। गाइस, आप फाउंडेशन की जगह बीबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम अप्लाई कर सकते हो। और गाइस, ये जो मेबेलिन का जो फाउंडेशन की कवरेज है वो लो टू मीडियम कवरेज है, तो इसलिए मैं ये वाली फाउंडेशन मेरे फेस में अप्लाई किया है। आप जो भी आपके पसंद हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर स्टेकवर की मिनी कंसीलर को यूज़ किया है एंड इसको मैं मेरी अंडर आइज पे, नोज, फोरहेड और चिक्स पे भी अप्लाई किया है एंड इसको मैं ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। गाइस, ये वाली कंसीलर लो टू मीडियम कवरेज देती है और गाइस, मेरी आइज पे उतना ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मेरी आइज पे अप्लाई करने के बाद इजीली ये हाइड हो जाती है। बट जिनकी आइज पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, उनको NYBA की लिक्विड वाली जो कंसीलर आती है वो आप यूज़ कर सकते हो। आई फेस के लिए मैं फिर से मेरी आई लिड्स पे स्टेकवर की कंसीलर को अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद लैक्मी का फेस पाउडर से इसको सेट करूँगी। आई लुक को क्रिएट करने के लिए गाइस, मैं यूज़ करने वाली हूँ 2 आई शेडो पैलेट। फर्स्ट जो हिलरी रोडा का आई शेडो पैलेट और सेकेंड जो है एसे फॉर कलर हिट विथ लव आई शेडो पैलेट। मैं इस वाले आई शेडो पैलेट से ये ब्राउनिश कलर को मेरे क्रीज के ऊपर मैं इसको अप्लाई करूँगी एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड देन गाइस, मैं एसे फॉर आई शेडो पैलेट से येलो वाले जो कलर है उसको मेरी सेम क्रीज के ऊपर मैं अप्लाई करूंगी एंड इन दोनों सेट को बहुत अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। उसके बाद गाइस, मैं मेरी जो लिड्स हैं उस पर सिमरी आई शेडो को यूज़ कर रही हूँ एंड जो गोल्डन शेड में है इसको मैं फर्स्ट में ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूंगी एंड देन मेरी फिंगर की हेल्प से अप्लाई किया। उसके बाद गाइस, मैं जो आईज की जो कॉर्नर है, आउटर कॉर्नर, उसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए ब्लैक और ब्राउन कलर को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर ऊपर वाले जो आई लुक है वो कंप्लीट हो गया है। लोअर लैश लाइन में गाइस, मैं फिर से सेम येलो और जो ब्राउन कलर की आई शेडो मैंने पिक किया था फर्स्ट में उसको मिक्स करके अप्लाई कर दे रही हूँ। उसके बाद गाइस, मैं ऑफ कैमरा पे ही मेरी आईब्रो और आईलाइनर को अप्लाई कर लिया है। तो उसके बाद गाइस, मैं मेरी चिक्स में ब्लश को अप्लाई कर रही हूँ, पीच कलर की ब्लश। एंड ये गाइस ब्लश नहीं है, ये आई शेडो है, बट मैं इसको ब्लश की तरह यूज़ करती हूँ। मैं लिपस्टिक के लिए आज यूज़ करने वाली हूँ NYBA की लिक्विड लिपस्टिक एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड ये जो शेड है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस, अब मैं हेयर लुक को करूंगी। हेयर लुक बहुत ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट में गाइस, आपको मिडिल से एक पार्टीशन करना है। पार्टीशन करने के बाद एक साइड की जो हेयर है उसमें से थोड़ा सा हेयर लेना है एंड उसके बाद उसको रोल करके सेकेंड वाली एक बार ट्विस्ट करना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हेयर करके आपको ट्विस्ट करते हुए जाना है एंड उसके बाद आप कोई भी क्लिप से हेयर को सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद मैं सेकेंड पार्टीशन की जो हेयर है उसको लूंगी, देन सेम तरीके से मैं उसको भी क्लिप से सिक्योर करूंगी। तो यहाँ पर हो गया हमारी हेयर लुक, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड इजीली आप कैरी कर सकते हो।
इसको आप जरूर राखी में क्रिएट कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। एंड गाइस इसको आप आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।